नीति के तहत प्रायोजित रूप से पूरा नहीं होने दिया। मुख्यमंत्री जी दोपहर को जैसलमेर चले गए, कन्नौट माता के दर्शन किए, दर्शन करने के थोड़ी देर बाद मुझे फोन किया और मुझे कहा कि मीडिया में ये खबर चलवाओ कि ये जितने विधायक धारीवाल जी के यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इन सबकी एक ही मांग है कि हम में से किसी को मुख्यमंत्री बना दो, सचिन पायलट नहीं चलेगा। मुझसे वो खबर चलवाई कि और कोई मांग नहीं है इनकी, ये सारे इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हम जितने भी लोग हैं जिन्होंने होटलों में रातें बिताई उनमें से किसी को मुख्यमंत्री बना। तो सीधे तौर पर आला कमान की अवमानना की, उन्हें धोखे में रखा, उनको पूरी तरह से अंधेरे में रखते हुए सारे काम किए और उनकी इच्छा को, यानी ये हमेशा ये कहने का प्रयास करते हैं कि आला कमान जो कहेगा मैं तो उसी की पालना करूंगा, लेकिन वो हुआ नहीं। आला कमान की मंशा शायद कुछ और थी उस दिन, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। और इसी तरह विधानसभा चुनाव में भी आला कमान को अंधेरे में रखा और ये उनको पूरी तरह से विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं प्रदेश में सरकार की वापसी करवा के रहूंगा, चाहे टिकट देने की बात हो या किसको कहां किस तरह से उपयोग में लेना है उसकी बात हो। उन्होंने अपनी मनमर्जी चलाते हुए वो सभी तमाम टिकट्स को रिपीट किया जिनके बारे में चाहे स्वतंत्र एजेंसीज रही हों या हमारे फीडबैक रहे हों या AICC ने जो सर्वे करवाया हो रहा हो, सभी ने ये कहा कि लगभग 25 से 30 टिकट मिनिमम बदल देने चाहिए अन्यथा ये सभी चुनाव हारेंगे, लेकिन वो नहीं माने। मुझे लगता है कि वो शायद किसी को ऑर्गेनाइज करना चाह रहे थे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि राजनीति का पहला धर्म सत्ता हासिल करना होता है और उस पहले धर्म को नहीं निभाते हुए सिर्फ अपने लोगों को ऑब्लाइज करने की सोच रखने की वजह से हम अपनी सरकार की वापसी नहीं कर पाए। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो अपने मन में ये सपने लिए बैठे थे,